हल्द्वानी से है, जहां कुत्तों में वायरस से होने वाली कैनाइड डिस्टेंपर बीमारी का संक्रमण जंगली जानवर तक पहुंचाया गया है। दरअसल हल्द्वानी के साउथ जौलसाल फॉरेस्ट रेंज में तेंदुआ और लालकुआं के डॉली फॉरेस्ट रेंज में बाघ की मौत पर IVRI भेजे गए सैंपल की जांच में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने संक्रमित श्वान का शिकार किया गया होगा, जिससे वे संक्रमित हुए। हालांकि अभी मौत का कारण सामने नहीं आया है। वहीं IVRI ने इस संबंध में वन विभाग को गाइडलाइन जारी करते हुए सुझाव दिया है। वहीं इस संबंध में पशुपालन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर उदय शंकर ने बताया कि कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी मूल रूप से श्वान वर्ग की बीमारी है, जिसमें वायरस की चपेट में आने से श्वानों में संक्रमण के चलते मस्तिष्क, आंखें, आंत, गुर्दे, त्वचा प्रभावित होते हैं। इसके तहत ही IVRI के कैडवेट विभाग प्रभारी संयुक्त निर्देशक ने बताया कि दो दिन पहले संस्थान के वन्य प्राणी उद्यान की ओर से जौलसाल रेंज में मृतक पाए गए तेंदुआ और बाघ के लार सैंपल को जांच के लिए कैडवेट विभाग में भेजे गए थे, जहां जांच में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस होने की पुष्टि हुई। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो कैनाइन डिस्टेंपर बेसिकली ये जो है कुत्तों की बीमारी है और कुत्तों में होती है, और जो इसके श्वान प्रजाति के जो पशु हैं उसमें जो है इसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था है, टीकाकरण है इसके लिए। परंतु ये देखा गया है कि पूरे विश्व में कई जगह जो है ये बाघ और शेरों में भी ये बीमारी जो है कुत्तों के साथ में आने से उनका उनके साथ, क्योंकि आजकल मानव वन्य जीवों के साथ साथ वन्य जीवों में आपस का भी संघर्ष बढ़ रहा है। वो लोग जो बाघ वगैरह हैं वो मानव जाति के संपर्क के साथ साथ कुत्तों के संपर्क में भी आते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि कई जगह जो है इनके स्पोरेडिक केसेस हुए हैं जिसमें डिस्टेंपर की पुष्टि हुई है।